अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस, न्यू रिव्यू के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रांसेंड की हार्ड ड्राइव है। इसका मॉडल है स्टोर जेट 25M3। ये हमने आज ही ऑर्डर की है और आज ही हमें मिल गई है। फास्ट डिलीवरी है, दराज से हमने ये ऑर्डर की है और ये है 1 TB स्टोरेज। इसके अंदर 1 TB स्टोरेज है, मतलब 1000 GB स्टोरेज है इसके अंदर, और इसकी 2 ईयर्स की वारंटी भी है। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 2 ईयर वारंटी ट्रांजेंट। और ये ट्रांजेंट की जो हार्ड ड्राइव है, ये मल्टी ग्रेड टेस्टेड हार्ड ड्राइव है। इसका जो है शॉक टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट दोनों हुए हुए हैं। और ये गाइस बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ट्रांजेंट लिखा हुआ है, फ्री ट्रांजेंट एलीट सॉफ्टवेयर फॉर डेटा मैनेजमेंट बैकअप एंड प्रोटेक्शन। इसके आप जो है इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं अपने लैपटॉप से जो भी डाटा है आपका, उसको बैकअप करने के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है। तो बेसिकली ये वाला डिवाइस जो है, ये आपको एक बैकअप स्पेस देता है ताकि आप अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से या अपने मोबाइल से जो भी डाटा होता है उसको आप निकाल के इसके अंदर स्टोर करके महफूज कर लें, ताकि आपका मोबाइल लैपटॉप या कोई भी चीज़ गुम होने की सूरत में या ख़राब होने की सूरत में आपका जो डाटा है उसका बैकअप इसमें मौजूद रहे। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, स्टोरेज जेट M25M3 इसका नाम है। वर्ल्ड वाइड 3 ईयर वारंटी है और डिस्ट्रीब्यूटर की इसकी 2 ईयर वारंटी है। शॉक प्रूफ है, ड्रॉप टेस्टेड है, शॉक प्रूफ है, फाइल इंक्रप्शन है इसमें, 1 टच बैकअप है, USB-A है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और ये गाइस इसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है। इसका जो है अभी इसको ओपन करके मैं आपको बताऊंगा। ये ताइवान की बनी हुई है, मेड इन ताइवान है, ठीक है। क्योंकि अक्सर मेमोरी कार्ड या जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं ना, ज़्यादातर ताइवान से बनी होती है, जापान से बनी होती है, और ये वाली जो है ये कहाँ से बनी हुई है, ताइवान से बनी हुई है। इसको हम अभी ओपन करेंगे और ओपन करके इसका जो है टेस्ट करेंगे, आप बताएंगे फिर क्या है। गाइस अभी इसको हमने इसके बॉक्स में से निकाल लिया है, ये देख लें गाइस। इसकी जो है आपको मेन चीज मैं बताना भूल गया हूँ, इसकी USB 3.1 जनरेशन है ये, यानी कि 3.1 है। तो इसकी जो है जो कंपनी के मुताबिक इन्होंने क्लेम किया था, जो मैंने इसकी वेबसाइट से देखा है, इसके अंदर 100 MB पर सेकेंड जो है इसका ट्रांसफ़र रेट है, जिसके अंदर रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड दोनों जो है वो 100 MB पर सेकेंड है, ठीक है। ये हमने इसको कर लिया, अनबॉक्स कर दिया है। अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया तो ये इसका रिव्यू तो नहीं है, ये इसकी अनबॉक्सिंग है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर से डिवाइस निकल आया है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मॉडल लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो केबल है कनेक्टिंग करने की वो है। इसके बॉक्स में देख लेते हैं, ये इसके साथ एक केबल मिली हुई है जो आपको डाटा केबल के तौर पे इनके आप इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसके यहाँ पे लगेगी, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ अटैच होगी और इसको दूसरी तरफ से हम लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसके साथ इन्होंने इसकी मैनुअल्स दी हुई हैं। कंपनी के फ्लैश ड्राइव्स भी हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। ये वाले भी मैंने साथ में पॉम्फलेट दिए हुए हैं, डैश कैम वगैरह भी इस कंपनी के होते हैं। मतलब इसको आप ये वाली हार्ड ड्राइव को आप डैश कैम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो ये वाली हार्ड ड्राइव जो है इसको आप डैश कैम के साथ अटैच करके अपनी गाड़ी में, आपके घर में, अगर कहीं पे भी सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है तो सिक्योरिटी सिस्टम के, अगर वीडियो को आप बैकअप करना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर आप कर सकते हैं। 1 TB इसका स्टोरेज है, यानी कि 1000 GB इसका स्टोरेज है। और ये इसके साथ इन्होंने मैनुअल दी हुई है जिसके ज़रिए जो है आप इसको कर सकते हैं। सारा इसके अंदर लिखा हुआ है किस तरह से मतलब करना है, यूज़ करने की डिटेल्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, अभी इसको मैं यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद इसका दोबारा से रिव्यू करूँगा। ये जो है इसके ऊपर मिल्ट्री ग्रेड प्रोटेक्शन है, ये इसके ऊपर सिलिकॉन कवर इन्होंने चढ़ाया हुआ है, इसको हम उतार भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका हार्ड ड्राइव निकल आएगा फिर जी। तो गाइस, इस हार्ड ड्राइव को मैंने जो है अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज़ करके ट्राई करके देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, एक रिकवरी सॉफ्टवेयर है और एक इसका अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। और भी उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, बैकअप सिस्टम भी है, ऑटो बैकअप हो जाता है। ये बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो फाइल्स होती हैं आपके लैपटॉप में उसका बैकअप वाला जो पेज होता है वो ओपन कर लेती है, और उससे आप इजीली इसको बैकअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप के डाटा को। और गाइस, इसकी 1 TB स्टोरेज ये क्लेम करते हैं, और इसकी ओरिजिनल स्टोरेज जो होती है इसके अंदर जो मौजूद है वो होती है 931 GB स्टोरेज। 931 GB स्टोरेज जो है इसके अंदर मुझे अवेलेबल मिली है। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छी डिवाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूँगा। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अरसलान व्लॉग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी सजेस्ट करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।